हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, रेलवे की क्लास नंबर 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो महत्वपूर्ण आविष्कार हैं जो बार बार एग्जाम में आपके आते रहते हैं कि बताइए इस चीज़ का आविष्कार किसने किया, तो उन आविष्कारों के आविष्कार के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कार कौन है। ये सारे हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे हैं अपने क्वेश्चन आंसर के पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन रखे हैं और यहाँ पे उनके आंसर हैं, यानी कि यहाँ पे आविष्कार और यहाँ पे आविष्कारक हैं, जो कि महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारक हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसी तरीके की और भी पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉम्सन ने। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे जे थॉम्सन ने की। अगला है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की किस खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। इसके लिए एक ट्रिक है, आप सभी को याद होगा, तो ये सभी को याद, जैसे ईंट पर नाच, एक ट्रिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन ने, और पर से आ जाता है यहाँ पे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और नाच पे आ जाता है यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नाभिक की खोज। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नाभिक आ जाता है किसने की, तो आपका आंसर हो गया रदरफोर्ड ने। अगला है डायनामो, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो डायनामो की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। अगला है परमाणु सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। परमाणु की जो खोज की वो किसने की? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अगला है यहाँ पे रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेकवेरल ने। ठीक है, अगला है रेडियम की खोज, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। अगला है डायनामाइट, इसकी खोज किसने की? तो डायनामाइट का हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि पीएच स्केल, ये भी महत्वपूर्ण है, आ जाता है, बन जाता है आपके रेलवे एग्जाम में, तो आपका आंसर हो जाएगा एस पी सोरेनसन। यानी तो पीएच स्केल की खोज किसने की? एस पी सोरेनसन। अगला है हाइड्रोजन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है हेनरी कैविंडिस ने जो है आपकी हाइड्रोजन की खोज की, हेनरी कैविंडिस ने। अगला है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड ने की। अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज आप सीले और पिस्टले, तो एक आपको इम्पोर्टेंट तो याद रखना है, जो है ऑक्सीजन की खोज किसने की? सीले और पिस्टले ने। अगला है यहाँ पे अक्रिय गैस है, जैसे आर्गन, अक्रिय गैस जो आर्गन है, इसकी खोज किसने की? रैमजे और रैले ने। ठीक है, रैमजे और रैले ने जो है अक्रिय गैस की खोज की, अक्रिय गैस आर्गन की। ठीक है, तो याद रखना है अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने की? रैमजे और रैले ने। अगला है थोरियम, थोरियम की खोज किसने की? तो आपके थोरियम की हो जाएगा बर्जीलियस ने। थोरियम की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। अगला है टेलीविजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा जे एल बेयर्ड ने। टेलीविजन की खोज किसने की? जे एल बेयर्ड ने। अगला है बैरोमीटर, बैरोमीटर की खोज किसने की? टॉरी सेली ने। यस, तो बैरोमीटर की खोज किसने की? टॉरी सेली ने। अगला है रेल इंजन, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रेल इंजन की खोज किसने की? जॉर्ज स्टीफेंस ने। जॉर्ज स्टीफेंसन थे जो, उन्होंने जो है रेल इंजन की खोज की। अगला देख लेते हैं, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन की खोज किसने की? एडिसन ने। जी हाँ दोस्तों, ग्रामोफोन जो है उसकी खोज किसने की? एडिसन ने। अगला है दूरबीन, दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने। ठीक है, तो याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने। ठीक है, अगला है यहाँ पे भाप इंजन, भाप इंजन की खोज किसने की? जेम्स बॉन्ड। भाप इंजन की खोज की? जेम्स बॉन्ड। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यह तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसकी खोज किसने की? फैराडे ने। अगला है एक्स किरण की खोज किसने की? रॉन्टे बन ने जो है एक्स किरणों की खोज। अगला है लघुगणक की खोज किसने की? जॉन नेपियर। जो लघुगणक है उसकी खोज जो है जॉन नेपियर ने की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण जो आविष्कारक हैं उनके क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी आविष्कार हैं जो हुए हैं और उनके आविष्कारक आपको जानने पड़ेंगे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण हैं
जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सभी आविष्कार के एक फुल वीडियो मैं आपको बनाऊं जिसमें सारे आविष्कार उनके आविष्कारक हों, तब आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही ढेर सारी एजुकेशनल वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो नमस्कार। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो भी देख लीजिए क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।